हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। आज हम हेजिंग वाली स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसे हम लोग वेरिस व्यू में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपका व्यू फेल होता है या आपका एनालिसिस गलत होता है या फिर आपका आपके अगेंस्ट मार्केट आता है, तो आपको मैं ऐसा एडजस्टमेंट बताऊंगा जिससे आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसकी बिल्कुल ना करें, एंड पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइस, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर रखे हैं जो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। तो सीधे हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो के टॉपिक को, ठीक है। तो पहले मैं चलता हूँ आपको लेकर ऑफस्टा पे। ऑफस्टा फ्री है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है तो कोई इतना इशू नहीं है, आप जानते होंगे। इसमें हम चलते हैं ऑप्शन को लेकर, ठीक है। मैं एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा गाइस, प्रैक्टिकली बेस पे जो होगा, बिकॉज थ्योरी मार्केट में काम नहीं आती है। तो सिंपली हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। देखिए, अगर हमारा बेयरिश व्यू है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि हम कॉल सेल करते हैं, ठीक है गाइस। तो मान लीजिए कि हम कौन सा कॉल सेल करेंगे, हम इसमें एटीएम का कॉल सेल करते हैं, ठीक है। एटीएम का हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं, एंड उससे 100 पॉइंट दूर गाइस हम हेज कर रहे हैं, ठीक है। हेजिंग पर्पज़ के लिए बाई कर रहे हैं, हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी है। तो एक हम बाई कर रहे हैं, कितना गाइस हुआ ये देखिए, ये हम लोग का बेरिज व्यू का तैयार हो गया। हमने एक कॉल स्प्रेड बनाया, क्रेडिट कॉल स्प्रेड। इसमें हमने 85 की प्रीमियम को सेल किया है एटीएम का, और 43 पॉइंट के प्रीमियम को बाई किया है, ठीक है, उससे दूर ओटीएम का। देखिए, इसमें मेन टारगेट क्या होता है, मेन आपका टारगेट है आपका इस स्ट्रेटेजी में, मैं अगर आप एकदम सिंपल में बात करें, ये जो मैक्स लॉस आपको दिख रहा है 4376 रुपये का, ये आपको हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। तो आपका फोकस कब होना चाहिए, देखिए, अगर आपका बुलिस आपका बेरिज व्यू है, आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, तो अगर मार्केट आपके हिसाब से जा रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना स्ट्रेटजी ये आप लोग जानते होंगे, बट इसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो आपको लॉस को कैसे मैनेज करना है उसको मैं बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सिंपली जितना भी आपका मैक्स लॉस हो उसे आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, इतना प्रीमियम होगा तो डिवाइड बाई 75, ठीक है, बिकॉज निफ्टी में एक लॉट 75 का होता है। तो आपको देखो, आपको 60 रुपये प्रीमियम चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी। अभी हमने कॉल को सेल किया ताकि हमारा बेयरिश व्यू था, ठीक है, हमने कॉल स्प्रेड बनाया। अब हम लोग को अप्रॉक्स 60 पॉइंट का क्रेडिट चाहिए। ये क्रेडिट हम कहाँ से लेंगे, ये क्रेडिट हम पुट की तरफ से लेंगे गाइज। अगर मार्केट हमारे नीचे जाता है तो देखो, पहले इसके ब्रेक इवन देख लो, 14,000 14,891 अप्रॉक्स 14,900 का ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इसके नीचे मार्केट एक्सपायर होता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। इन केस देखो, अब आप जब फेल होते हो, ठीक है, जब आपकी ये स्ट्रेटेजी फेल होगी मतलब आपके ब्रेक इवन के बाहर मार्केट जाने लगे, ऊपर जाने लगे, तो आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखना। आप इतना तो जानते हो कि अगर आपने हेजिंग कर लिया तो आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको 60 पॉइंट चाहिए। 60 पॉइंट के लिए आप कौन सा सेल करेंगे, आप या तो इसे सेल कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसे सेल कर सकते हो, इन दोनों में से कोई को सेल कर सकते हो। तो अप्रोक्स आपका मैक्स लॉस के आसपास के प्रीमियम का आपको सेल करना है। तो मैं मान लीजिए इसे सेल कर लेता हूँ, एक लॉट में मैं इसे सेल कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमारा व्यू क्या है, अब ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मार्केट आपके फेल हो जाएगा, ठीक है, जब आपका एनालिसिस फेल हो जाएगा। मेरी बात समझने का ट्राई करिए गाइस, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बुलिश व्यू का हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसे आप देख लेना, वीडियो को लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी देखिए, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो गई, अब हमारी स्ट्रेटेजी ऊपर की साइड से सेफ हो गई। पहले हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू था बेयरिश कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। इन केस अगर मार्केट हम लोग के अगेंस्ट ऊपर जाने लगता है तो हम लोग सिंपली उसकी मैक्स लॉस की प्रीमियम का पुट सेल कर देंगे गाइस, और स्ट्रेटजी हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी कि मतलब ऊपर की साइड मार्केट कहीं भी जाए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए जो हमने लगाया था पुट की साइड से मैं उसे हटा देता हूँ ताकि आपको मैं बेटर समझा सकूँ। ये हमारी स्ट्रेटजी से नॉर्मल स्ट्रेटजी, ठीक है गाइस। इसमें देखो, अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट लॉजिक क्या है, मैं आपको ये समझाने का ट्राई करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है बट ध्यान से देखें।
ये देखिए गाइस, ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है जो है 14,900। ठीक है, ये है गाइस 14,900 का ब्रेक इवन। ठीक है, अब जब मार्केट 14,900 के आगे जाएगा ऊपर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ लॉस दिख रहा होगा जो हम लोगों ने इसमें ये स्ट्रेटजी बनाई थी और ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, इधर मार्केट चली गई। ठीक है, तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि लॉस दिख रहा होगा। लॉस कितना दिख रहा होगा? मैक्सिमम लॉस आपको इतना ही हो सकता है, ये तो आप जानते हो, 4,300 रुपये का। ठीक है, कुछ लॉस ना कुछ 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 ना कुछ आपको लॉस दिख रहा होगा। अब हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है गाइस कि ये लॉस हम लोग का कवर हो जाए किसी भी हाल में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के प्रीमियम के बराबर का पुट सेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट, अभी हमने सेल किया था तो क्या हो गया था, स्ट्रेटजी हम लोग की आगे की साइड प्योर सेफ हो चुकी थी कि मार्केट ऊपर कितना भी जाए हम लोग को कोई लॉस नहीं होगा। तो मार्केट ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है, ठीक है, तो हम लोग जो पुट सेल किएंगे उसका प्रॉफिट होगा, बिकॉज मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और इधर से गाइस ये वाला लॉस देगा हम लोगों को स्ट्रेटजी। ठीक है, बट हमने प्रीमियम पुट सेल का कितना रखा है, हमने प्रीमियम गाइस हम लोग पीछे से सेल करेंगे। मतलब देखो अभी हम लोग सेल कौन सा करेंगे, ये मार्केट 14,900 का है, ये एरिया 14,900 का है जो है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। अब हम सेल कौन सा करेंगे, ये देखो सेल हम लोग करेंगे 14,750। ठीक है, इसे हम लोग सेल करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, इसे हम लोग सेल करेंगे। तो हम लोग की स्ट्रेटजी कैसे बन जाएगी, तब हम लोग की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है गाइस, यही तो हम लोग को चाहिए। अब समझने का ट्राई करना है आप, ये रहा गाइस 14,900 का ब्रेक इवन अप्रोक्स समझ लो आप। ठीक है, इसके आगे मार्केट जब जाएगा इधर 15,000 हो सकता है वो, या फिर 14,950 जा सकता है। तो हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से सेल कर रहे हैं गाइस, हम लोग इधर से सेल कर रहे हैं। ये हम लोग का 14,050 का एरिया है, हम लोग दूर से पुट सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूर से पुट सेल करेंगे, इधर की साइड से पुट को सेल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात, जब मार्केट आपका 14,900 से 14,950 चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों ने कॉल स्ट्रेटजी बनाई थी, कॉल जो हम लोगों ने ये वाली को सेल किया था और हेज किया था, इसमें कुछ ना कुछ लॉस दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोगों ने ये वाली पुट को सेल किया है। ठीक है गाइस, 68 रुपीज का पुट को सेल किया है। तो अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है, तब तो हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है गाइस, बिल्कुल दिक्कत नहीं है मार्केट, बिकॉज मार्केट कहीं भी ऊपर जाके एक्सपायर हो जाए, वो 15,000, 16,000, 20,000, 50,000 कहीं भी एक्सपायर हो जाए, आपको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब इन एक ही केस बचता है आपको, देखो आप मार्केट से चेंज हो चुके हो, पहले हम आपका व्यू क्या था, आप ये देखो, ये देखने का ट्राई करो, पहले देखो कि आपका व्यू क्या था। आप बेयरिश व्यू में ट्रेड कर रहे थे और मार्केट आपके अगेंस्ट ऊपर जाने लगा। ठीक है, आपने एक केवल और केवल पुट सेल किया उसके मैक्स लॉस के प्रीमियम का, और आपका व्यू प्योर बुलिश हो गया कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक केस और होता है गाइस, एक ही केस में लोग काफी सारे कंफ्यूज, मार्केट रिवर्स हो गया कुछ ऊपर जाने के बाद, तब अच्छी बात है ना गाइस, आप भी तो यही चाहते हो कि मार्केट रिवर्स हो जाए। बिकॉज देखो, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट था 14,900। ठीक है, मार्केट आगे चला गया, मान लो मार्केट आगे चला गया 15,000 पे चला गया। ठीक है, और 15,000 में मान लो कि आपने जो कॉल सेल की थी, ये वाली दोनों कॉल सेल की थी, 14,900 से 15,000 का मार्केट चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मान लो कि इसमें आपको 2,000 रुपये का लॉस हो रहा था, सपोज कर लो। ठीक है, सपोज कर लो कि 2,000 रुपये का लॉस हो रहा था जब मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई 15,000 पे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इधर से पुट को सेल कर दिया है, जो पीछे से क्या है गाइस, आप ये भी ध्यान देना कि आप 14,750 का पुट सेल कर रहे हो दूर से। ठीक है, ठीक है, तो जब मार्केट फिर से 15,000 से 14,900 आएगा, ठीक है, आएगा ना, ये जो आपको 2,000 का लॉस था, ये जो 2,000 का लॉस था, ये 2,000 का लॉस दिखेगा? बिल्कुल नहीं, ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट में दिखेगा, बिकॉज थीटा डी के, पहली बात। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है गाइस, मार्केट 14,000 से 15,000 जाकर फिर से 14,000 पे आएगा तो आपको प्रीमियम वही मिलेगा?
कभी नहीं मिलेगा गाइस, बिकॉज थीटा डीके हमेशा होता रहता है। आज आप देख लेना, आज आपकी एटीएम की प्राइस 100 रुपये है तो कल उसकी प्राइस 90 रुपये हो जाएगी, परसों उसकी प्राइस 80 रुपये हो जाएगी, नरसों उसकी प्राइस 70 रुपये हो जाएगी, अगर मार्केट वहीं का वहीं भी खुलता है तो। ठीक है, तो देखो जब मार्केट आपके रिवर्स फिर से आपके ब्रेक इवन के अंदर आ जाए, मतलब क्या गाइस, मतलब फिर से जब आपके ब्रेक इवन के अंदर आ जाए तब आपको पुट सेल वाली एडजस्टी से आप हट भी सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके रेंज में मार्केट एक्सपायर होगी तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। अभी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कैसे। ये देखो, ये हमारी स्ट्रेटजी है। जब मार्केट, मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, देखो अब इसमें हम लोग का मैक्स प्रॉफिट कितना होगा। अब हमें इसमें मैक्स प्रॉफिट हम लोगों का 14,800 के आसपास हो गया, 8,200 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट हो गया। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। और देखो गाइस, सबसे बड़ी बात है इसमें अगर आपको मार्जिन कम करना है, अभी देखो जैसे इसमें मार्जिन काफ़ी लगेगा, अभी इसमें मार्जिन आपका 1,86,000 के आसपास लग रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें और आपको मार्जिन कम करना है बिकॉज आपने एक नेकेट सेल किया है, तो आप दूर की स्ट्राइक प्राइस को एक पुट को बाई कर लो। ठीक है, जो एडजस्टमेंट हो रही है, आप जो अभी आप नेकेट सेल कर रहे थे उससे आप बाई कर लो। तो इससे क्या होगा, इससे आपका देखो जो आपका मार्जिन कितना लग रहा था काफ़ी कम हो गया। ठीक है, बट इतना दूर की स्ट्राइक प्राइस आपको नॉर्मली ब्रोकर बाई करने देंगे नहीं, तो केवल एंजल बुकिंग है जो आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर बाई करने का ऑप्शन देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड हेजिंग में एंजल बुकिंग काफ़ी अच्छा मार्जिन भी देता है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड मेरा ऑप्शन लिंक का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड 1 मंथ तक के ब्रोकरेज आपको अप टू 1,000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे। ठीक है गाइस, तो ये तो सारी बातें हो चुकी हैं। देखो अब हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की बनी है, मैं हेजिंग वाली को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए बिकॉज कोई मतलब नहीं उतना। आपको एक टारगेट रखना है, अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो अगर आपको कॉल सेल वाले में लॉस दे रहा है तो आपको पुट की तरफ से पुट को बेचकर आपको अपने लॉस को कवर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा गाइस, अब देखिए अब हमारा क्या होगा, हमने 14,850 के कॉल को सेल किया है और 14,750 के पुट को सेल किया है। तो देखो अगर इस रेंज के बीच में मार्केट अगर एक्सपायर होता है गाइस, तब तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा जो है मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर के साइड कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपको लॉस नहीं होने वाला है। ऐसे आपको अगर मैं ये एडजस्टमेंट को हटा दूं जो पुट सेल के आपने किए हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा लॉस होगा जो है अप्रोक्स 4,000 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 4,000 का लॉस लीजिए जब आप गलत होते हैं तो, या फिर आप अपने ये जो 4,000 का लॉस है ना इसे कवर करिए पुट को बेचकर, और मार्केट अगर रिवर्स आता है फिर से तो अच्छी बात तो है। अभी मैं समझाने का ट्राई करता हूँ मार्केट रिवर्स आने की कंडीशन में क्या होगा, काफ़ी सारे लोग इसको लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। सिंपल मान लो हम लोग इसे सेल कर देते हैं, ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आप कॉल स्प्रेड का एडजस्टमेंट भी समझ सकते हो। तो देखो अब क्या होगा, ये मान लो कि 14,900 का ब्रेक इवन जब पार हुआ तो हम लोग इधर से पुट सेल के ये वाला। अब मान लो कि मार्केट कहाँ गया, 14,900 से 15,100 जाता है। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, 14,900 से 15,100 जाता है, फिर 15,900 से 14,900 आता है। आपको क्या लगता है, गाइस कि इतना सब जाने के बाद ये जो आपने प्रीमियम सेल किया है, जो 85 का प्रीमियम सेल किया है और जो 68 का प्रीमियम सेल किया है, ये दोनों के दोनों उतना ही रहेगा? नहीं गाइस, ये हो सकता है उस समय 70 हो जाए, ये हो सकता है उस समय 50 हो जाए या 40 हो जाए। ठीक है, मतलब मार्केट अगर मार्केट रिवर्स कंडीशन दिखाता है तो आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज जब आप ब्रेक इवन के बाद जाएंगे, ठीक है, जब ब्रेक इवन के बाद आप एडजस्टमेंट करेंगे पुट सेल करके, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपने पहले बनाई थी स्ट्रेटजी इसमें कुछ ना कुछ लॉस दिख रहा होगा। जैसे 2,000 का लॉस हो सकता है, मैक्सिमम आपका लॉस 4,000 रुपये का था, हमने देखा उससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब मान लो कि 2,000 रुपये का उसमें लॉस दिख रहा होगा। ठीक है, जब हम एडजस्टमेंट नहीं किए थे तो, ठीक है, तो मार्केट मान लो कि 14,900 से 15,100 गया तो कॉल वाले की तरफ से कितना का लॉस दिख रहा था हम लोग को, 2,000 रुपये का। ठीक है, तो हमने पुट सेल कर दिया सेम 60S की प्रीमियम का ताकि हम लोग का लॉस कवर हो जाए। आपको सिंपली गाइस अपने मैक्स लॉस की प्रीमियम का बेचना है उस ठीक अपोजिट साइड, आपने कॉल सेल किया है, कॉल स्प्रेड बनाया है, तो पुट की साइड से बेचकर उसे कवर करने का ट्राई करोगे। ठीक है, तो अगर मार्केट 14,900 से 15,100 जाता है और फिर 15,100 से अगर फिर आपने रिवर्स आता है,
रिवर्स की कंडीशन में तो और अच्छा है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में कॉल और पुट दोनों के वैल्यू घटेंगे। ये देख सकते हैं कि आपने कॉल भी बेचा था और आपने पुट भी बेचा था, आपने दो सेल किए हैं गाइस, तो इन दोनों का थीटा देकर आपका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सिंपल एकदम, तो मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। एंड बुलिश व्यू का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसे भी देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय। एंड सिंपल ही बात है गाइस, आप इतना ही समझ लो, अगर मैं एकदम सिंपल में बात करने का ट्राई करूं तो देखो आपको क्या करना है, आपको ये हटा देता हूं मैं, ये देखो। अब आपको देखो गलत कब होंगे, गलती होने पर ही आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है गाइस, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आपको ये जो लॉस दिख रहा है मैक्स लॉस, किसी भी हाल में देखो ये जानते हो आप कि मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लॉस कब होगा गाइस, मार्केट केवल आपको एक ही तरफ से लॉस दे सकती है, या तो कॉल की तरफ से या तो पुट की तरफ से, दोनों तरफ से लॉस कभी नहीं दे सकती है। ठीक है, तो आपका एक लॉस दूसरी तरफ से कवर करना है, सिंपल बात है। हमने क्या किया, हमने कॉल को सेल किया है। ठीक है, अगर इसमें लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, हम पुट को सेल कर कवर करने का ट्राई करेंगे। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं गाइस, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने कॉल सेल किया है, कॉल सेल वाले में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पुट सेल वाले में प्रॉफिट देगा आपको, इतना तो पता है। ठीक है, और रिवर्स कंडीशन में अगर आएगी तो आपका जो कॉल सेल वाले में पहले लॉस दिख रहा था, सपोज कर लो कि 2000 का 500 का जो भी था, अगर मार्केट रिवर्स आती है तो आपको वो लॉस प्रॉफिट में दिखेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह समझो, सिंपल बात है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, मान लो मार्केट 14800 पर चल रहा है। ठीक है, आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि आपका बियरिश व्यू है, बट मार्केट क्या क्या हो गया, 14800 से 14900 चला गया। ठीक है, आगे चलेगी, ऊपर चलेगी, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में 2000 का लॉस दिख रहा है, सपोज कर लो, या फिर 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है। ठीक है, फिर मार्केट अगर 14900 से फिर मार्केट अपने रेंज में अंदर आती है 14800 के पास, तो क्या आपको 2000 का लॉस दिखेगा, नहीं दिखेगा गाइस, वहां कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, बिकॉज इतनी सारी ऊपर से मार्केट नीचे जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ दिन लगे होंगे। ठीक है, तो उसमें आपका थीटा डिके भी ऐड होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम गाइस इसमें 3 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें बुलिश व्यू के लिए हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, एंड बेरिश व्यू के लिए आज हमने अपलोड किया, एंड अब फाइनली अपलोड करेंगे जो होगा नो व्यू। ठीक है, साइडवेज व्यू, तो विथ एडजस्टमेंट, ये हमारी एडजस्टमेंट की सीरीज शुरू हो चुकी है, इसमें हम सारी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे, एंड सिंपल वे में उसका एडजस्टमेंट समझेंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज गाइज, क्योंकि मार्केट में थोड़ी काम नहीं आती है। एंड मैं सबसे बड़ी बात बता दूं गाइज, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, उसे आप जरूर देखें एक बार। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लें, अगर आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देखें। इसमें मैंने सेटअप के साथ साथ प्रैक्टिकली खुद लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया है, एंड काफ़ी सारी बार हम आपके साथ अपनी लाइव ट्रेडिंग भी शेयर किए हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन हेजिंग सीखनी है गाइस, अगर देखो ऑप्शन हेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको हेजिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये हेजिंग की प्लेलिस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर रखी है, इसमें सारे के सारे पेड कंटेंट आपको मिलेंगे जो नॉर्मली आपको फ्री में देखने को नहीं मिलते हैं। एंड अगर आपको ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना है तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें। एंड अगर आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में नहीं आती है तो मैंने काफ़ी ईजी वे में बताने का ट्राई किया है, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।